ओपन अ बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप यूज करके आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हजारों बिजनेसमैन इस ऐप को यूज कर रहे हैं। आप भी अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज जानते हैं कुशल पाल सिंह की सक्सेस स्टोरी। कुशल पाल सिंह और केपी सिंह डीएलएफ इंडिया के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। वे भारत के सबसे अमीर रियल एस्टेट डेवलपर हैं और इनको विकास पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। 20 राज्यों के 25 शहरों में फैला हुआ है इनका व्यवसाय। इनका जन्म 15 अगस्त 1931 को बुलंदशहर में हुआ था। इन्होंने भारत में सबसे बड़ी रियलएफ की स्थापना की, जो कि आज बिक्री, राजस्व और पूंजी में दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी कंपनी में गिनी जाती है। वैमानिकी की शिक्षा भी ग्रहण की, भारतीय थल सेना में अधिकारी बने, घुड़सवारी टुकड़ी द डेक्कन होर्सेस में भी शामिल हुए। 1960 में अमेरिकन इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ जुड़े। 1971 में डीएलएफ के साथ मर्ज के बाद संयुक्त कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। डीएलएफ लिमिटेड भारत रियल एस्टेट उद्योग में मजबूत पकड़ बनाए हुए है। गुड़गांव जैसे आधुनिक टाउनशिप को विकसित करने का सारा श्रेय इन्हीं की कंपनी को जाता है। फार साइटेड व्यक्तित्व होने के कारण वर्ल्ड क्लास कल्चर के अनुसार हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, गोल्फ कोर्स और मॉल संस्कृति को व्यापक रूप से विकसित किया। विश्व के विभिन्न देशों से बहुत बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश करवाने में कामयाब हुए। बहुत लोगों के लिए इस क्षेत्र में रोजगार भी बढ़े। सेना की नौकरी छोड़ अपने ससुर के डीएलएफ रियल एस्टेट के कारोबार के साथ जुड़ गए। 1960 में यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक कंपनी और सिंह परिवार के जॉइंट वेंचर अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक कंपनी में काम किया। इंडस्ट्रियल बैटरी को बनाने के लिए फिलाडेल्फिया के ESB INC के सहयोग से विलार्ड इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर बने। 1979 में अमेरिकन यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक कंपनी डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड के साथ मर्ज हो गए। डीएलएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद दिल्ली के आसपास एक छोटा सा शहर विकसित करने के विचार से ये जमीन खरीदने लग गए और फिर गुड़गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की जमीन को विकसित करना शुरू किया। सफलता इनके कदम चूमने लगी और गुड़गांव के रियल एस्टेट उद्योग चमक गया। मिलेनियम सिटी गुड़गांव की पहचान भारत के एक लीडिंग रियल एस्टेट मार्केट और व्यवसायिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में होने लगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।